बर्लिन का जो हमारा ट्रिप था ये गवर्नमेंट सैंक्शन टूर था। साई ने इसके लिए पैसा दिया था पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को। बट पैरालंपिक कमेटी ऑफ और हमको लेटर भी आ गया था कि हमारा फुल कॉस्ट गवर्नमेंट पे हम लोग जा रहे हैं। और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने हमें 2-3 दिन पहले बताया कि आपका जो टूर है उसका पैसा तो हमें आ गया है, बट हम आपको पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा अकाउंट ब्लॉक है। और अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से आपको अपना पैसा खुद खर्चा करना पड़ेगा लॉजिंग बोर्डिंग का, और हम आपको वापस आके रिइम्बर्स करेंगे। फिर मैंने उनको पूछा कि आप अच्छा एक काम कीजिए, हम कैसे खर्चा करें, हमारे पास पैसा नहीं है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, तो आप एक काम कीजिए मुझे एक लेटर दीजिए जिसमें लिख के दीजिए कि भाई हम आपको रिइम्बर्स करेंगे, अभी तो आप अपना खर्चा कर लीजिए। मैं तो उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत हो जाएगा, हम आपको नहीं दे सकते लिख के। अब मुझे ये नहीं पता है कि अकाउंट अगर ब्लॉक है तो अकाउंट नंबर पीसीआई ने क्यों दिया साई को, साई ने तो अपना काम कर दिया, साई ने तो पैसा दे दिया। ठीक है यहां तक भी ठीक है, मैंने लोन लिया, लोन लेके चली गई। अगर मेरे पास पैसा लोन मुझे नहीं मिलता तो मैं नहीं जा पाती और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती आज। और फिर बर्लिन में जाके ये हुआ कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको खुद को निभाना पड़ा, मतलब हमारा जो ऑफिशियल वर्क था जो कि कोच का काम था, जो ऑफिशियल भेजा गया था हमारे साथ मिस्टर कवलजीत संधू, उनका काम था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्होंने ढंग से नहीं निभाई, सारा काम हम ही को करना पड़ा हमारा। मेरी गलत इवेंट में एंट्री गई यहाँ से, ये मुझे एक दिन पहले मेरे खुद इवेंट देखने के बाद पता चला। कोच के पास इवेंट लिस्ट आई, कोच का ये काम था कि लिस्ट चेक करना, बट कोच ने नहीं चेक किया, मैंने खुद चेक किया। बाद में मुझे पता चला कि मेरी 100 मीटर फ्री ब्रेस्ट स्ट्रोक की एंट्री 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कर दी गई है। और फिर मैंने आईपीसी के पास जाके कंप्लेन की कि मेरा जो है इवेंट गलत डाला गया है, आप प्लीज उसको करेक्ट कर दीजिए। एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मैं ट्राम में ट्रैवल कर रही थी, मैं मेरी सिस्टर और एक स्विमर था हमारे साथ। अब वहां ट्राम में ट्रैवल करने के लिए पास बनाना पड़ता है, वो पास बनाना ये हमारे कोच का काम था। अब उन्होंने तो वो पास नहीं बनाया, हमको नहीं पता कहाँ से बनाना पड़ता है, तो फिर टिकट टीसी ने हमें पकड़ लिया, हमको फाइन मांगा 120 यूरो। 120 यूरो मेरे पास तब नहीं थे, मैं स्विमिंग पूल से रूम पे जा रही थी होटल पे। तो फिर मैंने अपने जो साथ था मेरा स्विमर एक मेरे जो साथी था उससे मैंने पैसा बोरो किया, मैंने बोला भाई तू मुझे दे दे अभी, बाद में मैं तुझे दे दूंगी। अगर वो स्विमर मेरे साथ नहीं होता तब तो ये लोग मेरी कंप्लेंट यूरोपियन यूनियन के थ्रू इंडिया में भेज देते, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अब ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच का था। फिर एंट्री फीस मांगी, वहां जाके हमको एंट्री फीस दो बोले, एंट्री फीस भेजी नहीं पीसीआई ने, एंट्री फीस भेजना ये पीसीआई का काम था, हमारा नहीं था। अब एंट्री फीस के लिए भी फिर फाइनली उन्होंने दे दी, मेरी दे दी, लेकिन मेरे एस्कॉर्ट की फिर मुझे भरनी पड़ी। मैंने बोला सर मेरे पास खाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैं जितना पैसा लाई हूं, तो बोले कि नहीं, बोले बाकी तो बाद में देख लेंगे, अभी आप एंट्री फी दो। मैंने बोला सर ठीक है मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, फिर क्या कर सकती हूँ। तो फाइनली उन्होंने दे दी, लेकिन जो मेंटल एम्बियंस मेरा बिगड़ा उसका असर तो परफॉर्मेंस पे हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने अपना परफॉर्मेंस सही रखा और क्वालिफाई कर ली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। जांच होगी तो बहुत अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए इन सब चीजों की, और उससे जो भी सामने निकल के आएगा वो अच्छा आएगा अगर जांच हुई तो उसके, और जांच होनी जरूरी है इन सब चीजों की। मैं ट्रेनिंग करती हूँ खुद के पैसे से, मेरे पास डाइट के लिए ज्यादा मतलब डाइट लगता है, हम लोगों को कॉस्ट्यूम खरीदना पड़ता है जिसका स्टार्टिंग ही 20-30 थाउजेंड से होता है, तो वो कॉस्ट्यूम हम लोग एक कॉम्पिटिशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कॉस्ट्यूम्स ऐसा किट हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये किट हर स्पोर्ट्स पर्सन की इतनी फाइनेंशियली वो नहीं होती है कंडीशन की वो खरीद पाए। तो ये सारी चीजें अगर यहाँ से शुरू होती है, अगर ये सारी फैसिलिटीज दी जाए तो काफी अच्छा हमारा लेवल हो सकता है स्पोर्ट्स में।